धन्य हो वीर, क्या बल, क्या पौरुष, क्या बदन। तुम उस तपस्वी से किसी भी प्रकार कम नहीं हो। मुझ वरण करने की योग्य हो, क्या तुम मुझसे वरण करोगे वीर पुत्र? वरण? कौन हो तुम, कहां से आई हो? एक सुंदरी को देखकर यूं चौंक जाना तुम्हारे जैसे पुरुष को शोभा नहीं देता। मैं एक सुंदरी हूं और तुम्हारा प्यार पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही हूं, क्या इतना ही जान लेना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं? मुझे किसी स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, चली जाओ यहां से। मैं केवल स्त्री कहां हूं, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। मेरे प्यार के उपहार को यूं ना ठुकराओ। मुझे किसी का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। क्यों, क्या किसी और से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो? नहीं, मैंने कहा ना मुझे किसी स्त्री से कोई प्रयोजन नहीं है, मेरे लिए हर पराई स्त्री माता और बहन के समान है। मैं पराई कहां हूं, तुमसे मिलने से पहले ही मैं मनी मन कब की तुम्हारी हो चुकी हूं। मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे तड़पते हुए मन को शांति पहुंचा दो ना। नहीं, कदापि नहीं। यह बाण तुम्हें कहां से मिला? पहचान गए ना, नदी में नहाते हुए उस तपस्वी ने मुझसे कहा था कि यह बाण देखते ही तुम सब कुछ समझ जाओगे। अर्थात उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है? उन्होंने ना भेजा होता तो मुझे कैसे पता चलता कि इस जंगल में तुम तपस्या करते करते ऊब चुके हो और अब तुम्हें मुझ जैसी एक सुंदरी चाहिए, चाहिए ना? पहले तुम मुझे अपना परिचय दो। सच सच बताऊंगी तो तुम डर तो नहीं जाओगे? तुमने मुझे वीर पुरुष कहा है, फिर ये डरने की बात क्यों कर रही हो? मैं लंकापति रावण की बहन रूपलेखा हूं। मेरा अपने पति से वियोग हो चुका है और मैं फिर से सुहागत बनना चाहती हूँ। रूपलेखा या शूर्पनखा? मैंने तो सुना था कि रावण की एक ही बहन है जिसका नाम है शूर्पनखा। नाम से क्या अंतर पड़ता है, समझ लो कि मैं वही हूँ। फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मनुष्य और तुम एक राक्षस कन्या हो, भला मेरा और तुम्हारा मेल कैसे हो सकता है? मेल होने में कोई कठिनाई नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम पूछना तो मैं भूल ही गई। नाम से क्या अंतर पड़ता है सुंदरी, समझ लो मैं वही हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो, पर मुझे अब जाने दो। सुनो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? हाथ में आए हुए प्रियतम को मैं यूं ही तो ना जाने दूंगी। जब तक तुम मुझे अपनाओगी नहीं ना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। सुनो सुनो ना, मैंने तुमसे कहा ना मेरा पीछा मत करो, मुझे जाने दो। प्रियतम प्रियतम रुक जाओ। प्रियतम
भैया मेरी रक्षा करो, भैया 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 मुझे बचाओ, भैया भैया भैया। क्या बात है लक्ष्मण? इतने घबरा हुए क्यों हो? भैया क्या आपने रावण की बहन शूर्पणखा को मेरे पास भेजा था? हाँ लक्ष्मण, उसे मैंने ही तुम्हारे पास भेजा था। उसकी अनुचित चेष्टाओं का अंत तुम ही कर सकते हो। वो राक्षसों का अधिपति रावण की बहन है। उसमें जो उन्माद जागा है उसके लिए उसे दंडित करना आवश्यक है। अर्थात? अर्थात जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम्हें करना है। भैया मेरी रक्षा कीजिए। डरो नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आओ ना प्रियतम, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ ना। रुक जाओ लक्ष्मण भैया। आओ ना। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। तू कौन होती है हमें रोकने वाली? हाँ तू कौन होती है? आ? रुक जाओ। छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दो भाभी को, अन्यथा तुझे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। इधर आओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, बस एक कच्चा चबा जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तू मुझे जानती नहीं, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं लक्ष्मण भैया। छोड़ दो भाभी को। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लक्ष्मण भैया, एक स्त्री पर प्रहार किया। वो स्त्री नहीं राक्षसी थी भाभी, उसका बढ़ता हुआ उन्माद उतारने के लिए यह करना आवश्यक था। परंतु यह उचित नहीं हुआ भैया। इस समय शूर्पणखा का यहाँ आना ही अनुचित था। इस समय जो कुछ भी हुआ वो तो होना ही था। तुम वैर दुखी ना हो।